आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। पूरे भारत के जितने इस्लाम को मानने वाले मुल्ला रहे, मुल्लों ने कहा कि दो सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। जिसको हिस्ट्री नहीं मालूम होगी, याद कर लेना, पढ़ लेना। तो हिंदुओं ने कहा क्या चाहते हो, बोले हमको अलग देश चाहिए। कहे देश का पार्टीशन मत करो, भाई बन के रहो। कहे नहीं, तुम गाय को माता मानते हो, मैं गाय को उठाता हूं, इसलिए मैं एक जगह नहीं रहूंगा। और अचानक से कायरतापूर्ण डायरेक्ट एक्शन डे का फरमान जारी किया था इन कायरों ने, जिसमें हमारे करोड़ों हिंदू मारे गए थे और मारने वाले यही भारत के मुल्ला रहे। देश का बंटवारा हुआ, मुसलमानों ने इसकी डिमांड किया, पाकिस्तान बांग्लादेश मुल्लों को दे दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं, 1990 में मुल्लों ने कश्मीर में फरमान जारी किया हिंदुओं को, कहे कि या तो मुसलमान बन जाओ या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ या मरने को तैयार हो जाओ, और कहे अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाना है। राम मंदिर के लिए हमें 500 वर्षों तक संवैधानिक लड़ाई लड़ी। तब मुल्ले कहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट जो आएगा मानेंगे, लेकिन जजमेंट आने के बाद कहे फैसला ठीक नहीं आया। आज हमारे सभी अब हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन अब हनुमान बन जाए कि जिन में मारा ते मैं मारे, नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं 5 मिनट में भारत इस्लाम मुक्त हो जाएगा, ईसाई मुक्त हो जाएगा। तो बता रहा हूं, हो सकता है किसी गांव में तुम ज्यादा हो, किसी शहर में तुम ज्यादा हो, लेकिन इस देश में अभी हम ही ज्यादा है, हमारे हिंदू ज्यादा है। मुसलमानों को देखो, हमने तो एक को देखा 40 बच्चा एक बताया, एक बताया हमारे 60 बच्चा है। हमने कहा जब 40 बच्चा पैदा करेगा, 60 बच्चा पैदा करेगा, बेरोजगारी दूर कैसे होगी। चाहते हैं भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए, इसलिए अभी जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, कमर कसिए और ईद का जवाब पत्थर से देने को तैयार हूं। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक हिंदू को कोई मारेगा तो 1,00,000 मुल्ला हम लोग मारेंगे। अगर एक हिंदू कोई मारोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने सहा है, लेकिन अब जवाब देंगे। और कहीं भी देश के कोने में अगर कोई भी मुल्ला एक हिंदू को मारेगा, तो उसके बदले में 1,00,000 मुल्लों को हम लोग मारेंगे। नूपुर शर्मा ने वो कहा जो इन मुसलमानों के ग्रंथ हदीस में लिखा है, अपने मन से कुछ भी नहीं कहा। जब हमारे देवी देवताओं को करोड़ों मुल्ला गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो भाई? अगर तुम गाली क्यों दे रहे हो? पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति देखो, बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति देखो, और भारत में जो है रह करके 4 बीवी 40 बच्चा, और यहां शरीयत संविधान को नहीं मारोगे, सेना पर पत्थर मारोगे, पुलिस के चौकी या थाने जलाओगे और देश विरोधी नारा लगाओगे। इसलिए भारत ईसाई मुक्त होगा और भारत इस्लाम मुक्त होगा। पर हमला हो तो कानून को आप हाथ में ले सकते हैं। मैं आज बता दे रहा हूं, पूरे भारत में जितने हिंदू भाई बहन हैं, सब तैयारी कर चुके हैं, और अगर किसी एक हिंदू के ऊपर आ जाए तो उसके बदले में 1,00,000 विकट गिरेगा। मुसलमानों को ईसाइयों कह रहा हूं, 10 पीढ़ी तक याद कर लेना, उसके बीच में तुम्हारा बाप हिंदू ही निकलेगा। 7 नवंबर 2023 मैंने घोषणा किया है, मैं अयोध्या से हूं, मुझे लोग तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। हमने घोषणा किया है कि 7 नवंबर 2023 के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।
नहीं तो ये मुल्ला जो कह रहे हैं कि हम इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, हम स्वयं ही भारत को इस्लाम मुक्त और ईसाई मुक्त बनाएंगे। और कहीं भी किसी भी हिंदू को अगर जरा सा भी खरोच आएगी तो आप समझ लीजिए आज इस मंच से 20 शिवाजी की सौगंध खा करके मैं कह रहा हूं, एक हिंदू को अगर मुसलमान मारेंगे तो 1,00,000 मुसलमान को हमारे हिंदू मारेंगे। आज महाराष्ट्र के इस छत्रपति शिवाजी चौक भिवंडी मुंबई से मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता को लागू करिए और जो विरोध करे उसको गोली मारिए। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो सनातन को मिटा सके। भारत माता की वंदे वंदे, भारत में राज करेगा, जो हिंदू हित का काम करेगा, जो हिंदू हित का काम करेगा। हमारा एक संकल्प है कि किसी भी किसी तरह से कोई व्यवहार नहीं रखेंगे, उससे किसी तरह का सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये कहीं थूक लगाएंगे पता नहीं क्या लगाते भैया, इसलिए इनसे किसी तरह का कोई व्यवहार नहीं करेंगे, किसी तरह से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। और 2024 के पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए पूरी ताकत लगा के प्रयास करेंगे। सरकार से हमारी वार्ता हो चुकी है और मेरा ये वादा है, भगवान चाहेंगे तो इसी महाराष्ट्र की धरती पर मैं आंदोलन करूंगा। 7 नवंबर 2023 इसी महाराष्ट्र की पावन धरा महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज की सौगंध यहीं से होगा और भारत हिंदू राष्ट्र 24 के पहले घोषित कराएंगे। अगर ये जिहाद और आतंकवाद से बाज नहीं आए तो शुक्रवार के दिन इनका अंतिम दिन होगा।